हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक्ट टू पॉपकॉर्न। और इसका बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, और पहले से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये बटर डिलाइट फ्लेवर के हैं और इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, और इसके अलावा इसमें सिंपल भी आते हैं, सॉल्टेड वाले, और इसमें जो है हल्दी वाले भी आते हैं। तो ये एक नया फ्लेवर है जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, बटर डिलाइट फ्लेवर एक्ट टू पॉपकॉर्न का। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस एक प्रेशर कुकर चाहिए, उसके साथ इसका एक ढक्कन चाहिए, और ढक्कन जो है उसकी जो ये रबर होगी, बस हमें इसको रिमूव कर देना है। इस तरह से इसको रबर को अलग हटाना है, सिंपल ये चाहिए, और इसके साथ एक आपको स्पून चाहिए थोड़ा सा इसको स्टिर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लूँगी। ऑन करने के बाद मैं थोड़ी देर इसका जो पानी है, इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी पहले से पानी था, तो मैं अभी उसी को सुखा रही हूँ। और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं अपना एक्ट टू पॉपकॉर्न, और इसको इस तरह से काट लीजिए। और इसके अंदर आपको दिखा देती हूँ कि अंदर क्या है। तो ये इसमें पहले से सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें मसाला और जो भी सारे इंग्रेडिएंट हैं वो सब ऑलरेडी मौजूद है इसमें, क्योंकि ये फ्लेवर्ड है बटर डिलाइट का, तो इसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको अलग से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का, और उसके बाद हम इसको इसमें पोर कर देंगे। ये इसके अंदर हमने इसमें डाल दिया है, और फ्लेम को इस टाइम पे मैंने बिल्कुल मीडियम कर रखा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर रखा था, मैं थोड़ा सा इसको मीडियम करूँगी। देखिए इतना रखना है आपको, और इसको कंटिन्यूसली स्टे करना है। और याद रखिए अपना फेस इससे थोड़ा दूरी रखें। इसको हमें कब तक चलाना है, जब तक एक तो भी पॉपकॉर्न फूलना शुरू नहीं हो जाता। जब एक भी पॉपकॉर्न शुरू हो जाएगा फूलना, तो हम इसको लिड को बंद कर देंगे, और उसके बाद फ्लेम को फौरन हाई करके छोड़ देंगे। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। देखिए पॉपकॉर्न जो है वो फूलना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे पॉपकॉर्न फूलना शुरू हो गए हैं। जैसे ही पॉपकॉर्न फूलना शुरू हुए हैं, आप इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए, और आपको वेट जब तक करना है जब तक कि एक भी आवाज आना बंद हो जाती है। जब आवाज आना बंद हो जाती है, जैसे यहाँ पे आवाज आना बंद हो गई, इसका मतलब सारे पॉपकॉर्न गल चुके हैं। इसको खोल के देखते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट चाहिए। और देखिए पॉपकॉर्न हो गए हैं रेडी, मैंने गैस कर दी है बंद। ये देखिए एक भी नहीं बचा है, सारे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे पॉपकॉर्न हो गए हैं रेडी, यम यम, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और अभी हम एक ट्राई करके देखते हैं, बहुत ही क्रंची है, बहुत ही टेस्टी है, और बटरी फ्लेवर है, वो एक अलग से इसमें पंच है इसमें बटर का, और बहुत यम्मी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।